हेलो सो गाइज, वेलकम आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कुछ प्रॉब्लम में था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आया। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे 1 kg बटर स्कॉच केक बनाने में हमें कितना क्या क्या यूज़ करना होता है। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल मैं संडे को लाइव आके आप लोगों को सारे क्वेश्चनों का आंसर करूँगा। तो ये मैंने 1/2 kg क्रीम ले रखी है अभी। हम पहले क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए हम ये बटर स्कॉच अरोमा है जो ट्रफल लाइट कंपनी का, ये देख सकते हैं आप, ट्रफल लाइट कंपनी का है। इसको इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको क्रीम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी जल्दी शायद इस वीक हमारे हो जाएंगे 10K कंप्लीट। उसके बाद एक ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या कौन कौन से टूल यूज़ करता हूं। तो ये देखिए, जैसे कि 7 इंच का बेस ले लिया मैंने, तो हम इसकी अब कर लेते हैं कटिंग। तो चलिए हम इसके दोनों साइड को, जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, मैं को साफ़ कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, बट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी वीडियो आएगी इसी तरीके से। आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरीके से इसको 3 लेयर में कट कर लें, और उसके बाद आप ये 80 to 100 ग्राम क्रीम लेयरिंग के लिए, 80 ग्राम या 70 ग्राम तो ले सकते हैं लेयरिंग के लिए। इसको अच्छे से बेस से बाहर ना आए आपकी क्रीम, इस तरीके से आप इसमें स्प्रेड करें। अब हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच क्रंच। जो हम होममेड बटर स्कॉच क्रंच बना रखा है उसकी मैंने वीडियो पहले से भी अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। मैं किस तरह, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट प्रिया कंपनी का सबसे बेस्ट रहता है। तो ये हम ले रहे हैं बटर स्कॉच क्रश, हमने 50 ग्राम बटर स्कॉच क्रश डाल दिया इसमें इस तरीके से। तो ये स्प्रेड करना पूरा, और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है एक के ऊपर एक लेयर रख के फटाफट से कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद करेंगे इसकी आइसिंग, और फिर केक को डेकोरेट करेंगे किस तरीके से। और इजी नॉर्मल सा तरीका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे चॉकलेट भी, जिससे कि हम इसको बोल सकते हैं चॉकलेट बटर स्कॉच। इसमें हम चॉकलेट का भी यूज करेंगे, और किस तरीके से करना है वो ज़रूर देखें आप। वीडियो को अंत तक देखोगे जब तभी पूरी समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम टेबल कर लेते हैं साहब। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं हमारे बटर स्कॉच केक में कितनी क्रीम लगती है। 1/2 kg क्रीम से कितनी क्रीम में बन जाता है हमारा बटर स्कॉच केक, देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कलर कम है, इसलिए थोड़ा और कलर ऐड कर लेते हैं। इसमें अच्छे से कलर ऐड कर लेने के बाद हम अब करते हैं केक की आइसिंग। तो हमारे लगभग 200 के आसपास क्रीम तो लग चुकी है, जिसमें हमने लेयरिंग कर ली केक की। तो अब ठीक है, देखना है कि 500 ग्राम में पूरा 2 पाउंड का केक हमारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा।
तो इसकी आइसिंग कर लेते हैं अच्छे से। आइसिंग कर लेने के बाद इसके डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि सिंपली है आइसिंग करना, ज़्यादा कोई टप नहीं। ये एक्स्ट्रा शीट की मदद से हम इसको साइड से प्लेन कर लेंगे और उसके बाद ऐसे केक स्वेप कर लेंगे तो जैसे हमारा केक रेडी हो जाता है। और इसमें आप बटर स्कॉच जेली भी यूज़ कर सकते हैं, कैरामल भी बना के यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं करता हूँ यूज बटर स्कॉच जेली। तो के सामने हमारा ये केक बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल केक हमने रेडी कर लिया। तो मैंने बटर स्कॉच जेली की पाइपिंग पहले से भर के रखी हुई है, इससे मैं इसमें जेली लगा लेता हूँ। तो इसी को आप कैरामल जेली भी बोल सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती है आजकल बटर स्कॉच जेली के नाम से, बटर स्कॉच ग्लेज भी बोल सकते हैं। इसी से आवाज़ आ रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पर काम चलते रहता है तो उसकी आवाज़ से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बटर स्कॉच थोड़े से दाने हम साइड में लगा लेंगे, बटर स्कॉच के दाने इस तरीके से। अब हम इसको 1 kg के बेस में रख लेते हैं। अब केक हमारा बच गया, बस डेकोरेशन करना किस तरीके से करेंगे हम डेकोरेशन ये ज़रूर देखें। आप केक आइसिंग करना, लेयरिंग करना, सारा कुछ डेकोरेशन आप चाहेंगे तो ये और अपना तरीके से भी कर सकते हैं और किसी तरीके से मेरे तरह भी कर सकते हैं। एक स्टार नूडल की पाइपिंग बन लें और जिसमें मैंने भर रखा है चॉकलेट ट्रफल, चॉकलेट के नाम बोलते हैं जिसको, तो उसके इस तरीके से ड्रॉप रखिए। और भी बहुत कुछ करना है, अभी चीज़ें छोड़ के जाइएगा ना तरीके से। तो मैं स्टेप बाई स्टेप पूरी वीडियो कहीं पे कट करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। और साइड में इसी तरीके से ऑर्डर दे दीजिए चॉकलेट के नाश्ते, ताकि जो खाएगा इसको चॉकलेट पसंद होगा, चॉकलेट भी खा सकता है इसमें से। तो ये बन गया आपका चॉकलेट बटर स्कॉच। बस थोड़ा सा और रह गया इसमें आपका केक कंप्लीट होने में। स्टार नोजल की मदद से मैंने बटर स्कॉच वाली क्रीम उसके इस तरीके से गोल गोल तरह के इस तरीके के ड्रॉप लगा दिया। और अब हमारा केक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को कैसा लगा ये केक ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करें ऑल पे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें संडे का आपको। सो गाइस, इतना हमारी क्रीम बची जो 80 से 100 ग्राम, तो हमारी 700 ग्राम क्रीम इसमें यूज हुई पूरे केक में। चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय वीडियो।